चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश को स्थापित करते हैं। आपने भक्तों के मुंह से अक्सर गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का जयकारा सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गणपति के नाम के साथ लगे मोरिया का क्या मतलब है। दरअसल इसके पीछे श्री गणेश के एक भक्त की कहानी है। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 21 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे चिड़वाड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में इस जगह एक संत हुए जिनका नाम मोरिया गोसावी था। वे गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वे प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर चिचवाड़ से मोर गांव तक पैदल गणेश जी की पूजा करने के लिए जाया करते थे। ऐसा करते हुए कई बरस बीत गए। कहा जाता है कि एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। नदी में स्नान के दौरान उन्हें गणेश जी की मूर्ति मिली। इसके बाद लोगों ने मान लिया कि भगवान गणेश का अगर कोई भक्त है तो वो मोरिया गोसावी ही है। इस घटना के बाद मोरिया गोसावी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। कहा जाता है कि जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मोरिया कहते तो वो भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे, और फिर ये सिलसिला चलता रहा जो आज हर किसी की जुबा पर चढ़ गया है। तो इसलिए भक्तों के मुंह से सुनने वाले इस जयकारे को गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया इसलिए कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ऐसे लगते हो ऊंचा गाना है क्या? थक जाते हो? गणपति बप्पा मोरिया।